अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले कुछ महीनों में आने की उम्मीद बढ़ गई है। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच उस पर सुनवाई कर रही है और सीजेआई रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से अपनी दलीलें पूरी करने के बारे में पूछा है। तो सीजेआई ने कहा है कि हम 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म करना चाहते हैं, जिससे जजों को फैसला लिखने में 4 हफ्ते का वक्त मिले और इसके लिए सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। तो जरूरत पड़ी तो कोर्ट सुनवाई का वक्त 1 घंटा और बढ़ा सकती है, तो हम शनिवार को भी सुनवाई के लिए तैयार है। तो इस पूरी सुनने वक्त बोर्ड की तरफ से वकील राजीव धवन ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को मौजूदा हफ्ते और अगले पूरे हफ्ते दलीलें खत्म करने में समय लगेगा और हिंदू पक्षकारों ने यह कहा है कि उस पर विपक्ष की दलीलों पर जवाब देने के लिए हमें 2 दिन लगेंगे। तो वहीं निर्मोही अखाड़ा की बात करें तो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से समय नहीं बताया गया है, उन्होंने कहा है कि कुछ दिन हमें और अभी चाहिए। तो साथ ही साथ चले मध्यस्थता, सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि अब 18 अक्टूबर तक हम इसको लेकर पूरी जो सुनवाई है हमारे पूरे मामले को लेकर कर लेंगे और जल्द ही नवंबर तक जो फैसला है वो आ सकता है, लेकिन तमाम पक्षों से समर्थन की अपील सीजेआई की तरफ से की गई।